सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू फिजिकल अकेडमी। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें हमारे इस रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था ऑन शेप्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, और नॉन सब्सक्राइबर्स जो है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इससे हमें भी क्या है कि मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, चले। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने आपको एक तो मैंने बॉन्ड एंगल का जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसको हमने सॉल्व किया था, और उसके अलावा जो है हमने फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत सिर्फ सीखा था, थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लिया था, फिर एक इमरजेंसी थी कि मेडिकल इमरजेंसी थी, मुझे जाना पड़ा था। सो आज जो लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और आज का लेक्चर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत बढ़िया होगा, और इसको इसको जो ना फ्लेक्सिबिलिटी है ना, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें समझाऊंगा कहाँ कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी लगती है, फिर जो एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों के दिमाग में, ठीक है, वो सब मैं धीरे धीरे आपको इस लेक्चर में दूर करता चलूंगा। लेक्चर बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो एकदम फटाफट से जो है पानी की बोतल और पेन नोट लेके बैठ जाए फटाफट, और कॉन्सेंट्रेट कीजिए पूरा का पूरा इस लेक्चर में। ठीक है, मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ जी, जो पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, बिकॉज फोकस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन यहीं पे चाहिए मुझे। आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है और थोड़ा लंबा भी चलेगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हम जो इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया कि कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कि जैसे कि नाइट्रोजन होता, ठीक है, अरे यार पेन का कलर चेंज कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, ठीक है, इसके साथ तीन बॉन्ड्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं और ऊपर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, मैंने आपको पूरा जो था वो आपको समझाया था, इसको रूम टेम्परेचर पे इसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये जो तीनों जो बॉन्ड होते हैं ना, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, ठीक है, एक तो एस वाला नीचे होता है और तीन जो sp3 वाले ऊपर होते हैं, और ये होता है पी का लेवल। ठीक है, तो ये जो सारे ऑर्बिटल्स हैं ये एनर्जी में मूव करते हैं, ये हाइड्रोजन जो है ये वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, और ये ऐसे मूव करते हैं ऊपर के डायरेक्शन में, और ये जो लोन पेयर है ना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूँ मैं आपको। हमने ये वाली चीज पढ़ी थी, जो लोन पेयर होता है ये, इसका जो एनर्जी है ना, ये बिल्कुल ये प्योर पी जो ऑर्बिटल्स हैं इनके भी एनर्जी लेवल अप चले जाते हैं, इनके भी एनर्जी लेवल ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि ये जो प्योर पी ये देखा गया है, ऐसे देखा गया है कि ये जो लोन पेयर वाला जो है ना, ये प्योर पी ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है ना वहां तक चला जाता है। तो इससे क्या देखने को मिलता है हमें, एग्जैक्टली स्ट्रक्चर में, ज्योमेट्री में हमें क्या देखने को मिलता है, क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे ये एनर्जी लेता है, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो होते हैं वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये जो ऊपर का लोन पेयर होता है ये बिल्कुल प्योर पी में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, प्योर पी ऑर्बिटल की तरह उसका लोन पेयर वाला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल जो है इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये बिल्कुल प्योर पी वाले ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल के बराबर हो जाता है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये प्योर पी में चला जाता है, यानी इस तरह से इसके अंदर रूम टेम्परेचर पे इसको अगर एनर्जी दी जाए तो इतनी एनर्जी वो लेके अपने आपको जो है ऐसा प्लेनर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि लोन पेयर जो है वो पी से ज्यादा एस में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये तो इसमें तो वैसे भी इसकी एनर्जी इससे तो कम ही थी। ठीक है, और वो चाहता क्या था कि वो एस में चला जाए। ठीक है, और ना चाहते हुए भी एस में जा तो नहीं सकता था, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में उसको रहना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब तो वो जो है रूम टेम्परेचर में थोड़ी एनर्जी लेके वो तो प्योर पी में चला गया, और भी ऊपर वाली एनर्जी में चला गया। ठीक है, तो अब तो वो और भी अनस्टेबल, तो वापिस से वो जो है यहाँ पे उसने एनर्जी ली, ऐसे स्टेट में कन्वर्ट हुआ और वापिस से उसने एनर्जी दे दी। ठीक है, लेकिन अब जो है वो पूरा अपना रोटेशन को कंप्लीट करेगा।
ठीक है। और इस तरह से मैंने देखा था कि नाइट्रोजन वाले एलिमेंट्स में सॉरी नाइट्रोजन में अमोनिया में, ठीक है, इस तरह से उसके अंदर जो है वो एक फ्लक्सुअलिटी देखने को मिलती है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे रूम टेम्परेचर के एनर्जी लेके ये वाइब्रेट होके, ठीक है, ये तीनों को तीनों प्लेनर चले आते हैं और ये जो हाइब्रिडाइज्ड जो लोन पेयर होता है वो जो है प्योर पी में चला जाता है, फिर उतनी एनर्जी वो लिबरेट करके, ठीक है। लेकिन अब जो है वो ऐसे करके ऐसे गया है तो वो कंप्लीट अपना रोटेशन अपना पूरा करेगा, ठीक है। वो जैसे कि जैसे पेंडुलम घूमता है ना, यहाँ से पूरा चक्कर मारता है, मेन पोजिशन पर नहीं रुक जाता, मेन पोजिशन से ऐसे वापिस नहीं चला जाता, वो पूरा ऐसे घूमता है फिर वापस ऐसे आता है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल ऐसा ही होगा कि वो ऐसे था, ठीक है। वो ये सब चीजें देखी गई, इसको एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना के साथ, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे आता है, ठीक है। अब ऊपर की साइड जा रहा था ना, तो वो अपना जो है रोटेशन कंप्लीट, अपना जो वो जो पाथ है वो कंप्लीट करेगा, बीच में से वापस नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे गया फिर ऊपर चला जाएगा, फिर वापस से प्लेनर, फिर वापस से नीचे। तो इस तरह से, ठीक, इस तरह से वो जो है फ्लक्सुअलिटी दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो अब ये यहाँ पे चला गया, ये जो पूरा जो इसको क्या, अब ये यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, इसको क्या बोलते हैं, वर्डन इन्वर्जन बोलते हैं, या फिर इसके अलावा इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज होती है। अब ये जो है यहाँ से मैं यहाँ नीचे शो करता हूँ, ठीक है, यहाँ से फिर वो वापस से प्लेनर आएगा, और फिर वो वापस से जो है अपना ओरिजिनल जो था वहां पे आ जाएगा। यानी कि समझे आप, ये इस तरह से पहले वो प्लेनर हुआ, फिर ऊपर की तरफ यानी इन्वर्जन हुआ, फिर वापस से प्लेनर हुआ और वापस से जो ओरिजिनल था वहां पे आ गया, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंट ये जो होता है वो जारी रहता है, ठीक है। ये जो उनकी एक प्रॉपर्टी है, ये उनमें देखा गया है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि दूसरे किसी में क्यों नहीं होता, जरा पेशेंस रखें, मैं सब मैं बता दूंगा, ठीक है। आपके क्वेश्चंस का आंसर देके आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, बस आप बने रहें मेरे साथ, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करता चलता हूँ, ठीक है। कि ये जो है एक चीज इनमें देखी गई है, ठीक है, कि किन किन मॉलिक्यूल्स में ये सिर्फ होता है ट्राइंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर्स में होता है, ठीक है। इनमें ये देखा जाता है, ट्राइंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर जो होते हैं इनमें ये चीज देखी जाती है कि इस तरह से इनमें फ्लक्सुअलिटी आ जाती है। ये जो मॉलिक्यूल्स का ये जो बॉन्ड है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एनर्जी लेने के बाद वो वाइब्रेट करके ऐसे मूव कर जाते हैं प्लेनर, एंड प्लेनरिटी के बाद वो फिर से वापस से इन्वर्जन इन्वर्जन कर जाते थे, इन्वर्जन पिरामिडल स्ट्रक्चर, इन्वर्ट पिरामिडल स्ट्रक्चर बना देते हैं, फिर वापस से वहां से वो एनर्जी लेके वापस से प्लेनर और वापस से जैसे से। तो ये जो उनका पूरा जो साइकिल है ये चलता ही रहता है, जो वन कंप्लीट साइकिल मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, ठीक है। ये समझने वाली चीज है, ठीक है। तो ये इस तरह से फ्लक्चुअलिटी दिखाते हैं रूम टेम्परेचर पे, बॉन्ड जो है वो ऊपर नीचे ऐसे मूव करते हैं। अब कौन कौन से करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, ठीक है, जो नहीं करेंगे वो क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो एक प्रॉपर्टी में देखी गई है, ठीक है, कि रूम टेम्परेचर उनको एनर्जी दे दिया जाए, ठीक है, इतना रूम टेम्परेचर पे एनर्जी मिल जाता है, तो इतने में वो आराम से इस तरह से अम्ब्रेला सॉरी जो ट्राइंगल ट्राइंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इस तरह से प्लेनरिटी लूज करते हैं, प्लेनरिटी अटेन करते हैं, फिर लूज करते हैं, फिर अटेन करते हैं, फिर लूज करते हैं। तो इस तरह से फ्लक्सुअलिटी में देखी जाती है। अब किन किन में नहीं देखी जाती, नहीं क्यों देखी जाती, वो सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों, क्या ऐसा हुआ कि नहीं देखी जाती, देखिए पहले देखिए, यहाँ पे आप देखिए पहले, तो वन कंप्लीट साइकिल जो है ये क्या दिखाती है, टू टाइम वर्डन इन्वर्जन दिखाती है, ठीक है। कैसे, पहले तो ये इस तरह से था, एनर्जी मिला वो ऐसे ऊपर गया, एक बार वर्डन इन्वर्जन हुआ, फिर यहां से वापस आया, दो बार वर्डन इन्वर्जन हुआ, ठीक है। इन्वर्जन कितनी बार हुआ है, पहले ऐसे था ऐसे गया, एक बार इन्वर्जन हो गया, फिर अब उसकी पोजिशन ये है, फिर एनर्जी लिया और वापस ऐसे आया, दो बार वर्डन इन्वर्जन हुआ, ठीक है। तो कंप्लीट एक साइकिल में कितनी बार, दो बार वर्ल्ड इन्वर्जन होता है। आई होप समझ में आ गया होगा।
ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है क्या? चल यहाँ पे देखे जरा, इस तरह से इनके बीच में मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे आई वैल्यू और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि जब ये नॉर्मल था तब यहाँ पे इसकी आई वैल्यू जो है 3.33 आती है, हाँ, और यहाँ पे आई वैल्यू इसकी 2 आती है, वापस से यहाँ पे आई की वैल्यू 3.33 आती है, और सेम चीज़ इन दोनों में भी। तो पहले तो क्या हुआ कि इसकी आई की वैल्यू जो थी 1.33 ही थी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, यहाँ से वो चढ़ा और 2 हुआ, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर एक तो उसमें अनस्टेबल है, लोन पर प्योर पी में अनस्टेबल है, स्टेबल होना चाहेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर वो आया वापस से यहाँ, फिर वापस से दूसरा इन्वर्जन हुआ और फिर वापस से आया यहाँ, ठीक है, इस तरह से हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, आई इक्वल्स टू 3.33, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 3.33, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे वापस से आई इक्वल्स टू 3.33। अब आप जरा यहाँ पे एक बात सोचिए कि अगर इसको हम इतने लोअर टेम्परेचर पे ले जाए, फॉर एग्जाम्पल -81 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये इन्वर्जन दिखाएगा? नहीं, क्योंकि उसका इन्वर्जन दिखाने का मेन रूट कॉज क्या था, एनर्जी जो उसको रूम टेम्परेचर मिल रही थी, इसकी वजह से उनके बॉन्ड में एनर्जी आ रही थी और वो वाइब्रेट करके जो है वो एक दूसरे को धक्का देके वो वाइब्रेट करके वो ऊपर मूव कर जा रहे थे, ठीक है। आप ऊपर मूव करेंगे तो बीच में प्लैनरिटी वाला स्ट्रक्चर तो आएगा ही, ठीक है। तो वो प्लैनरिटी वाला स्ट्रक्चर अटेन करते थे, फिर वापिस ऊपर मूव कर जाते थे, ठीक है, और ऊपर से फिर वापस आता थे, तो इस तरह से उनमें जो फ्लक्चुएशनलिटी वो कंटिन्यूसली जारी रहती थी, ठीक है। लेकिन अगर उनको एनर्जी देना ही बंद करते हम, -81 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम उनको लगा दें तो वहाँ पे उनको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे वो फ्लक्चुएशनलिटी नहीं दिखाएगा, ठीक है, वहाँ पे वो फ्लक्चुएशनलिटी लूज कर देगा। तो इससे हमें पता क्या चला, एक बात और पता चली कि इसमें बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी आता है, ठीक है। देखिए जरा, अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इस तरह से है, यहाँ पे उसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है, ठीक है, 107 डिग्री है, तो जब ये इस तरह से अटेन करेगा प्लेनर स्ट्रक्चर और यहाँ पे इसका एंगल है 120 डिग्री, ठीक है, तो इस तरह से दो एंगल के बीच में 109.28 डिग्री, इतना तो आता ही है ना, ये इन दोनों, ठीक है, 107 डिग्री से उठ के वो 120 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। तो बीच में ये वाला डिग्री वाला एंगल तो लाई करेगा ही, इसका क्या है, आई इक्वल्स टू 3, आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, आई 3.33 से चालू शुरू हुआ, ठीक है, धीरे 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 ये जैसे ही आगे बढ़ा, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे उसका वैल्यू जो है वो आई इक्वल्स टू 3 आया, फिर 2 से यहाँ गया तो यहाँ पे बीच में आएगा आई इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये मान लो कि ये 3 है, गलती तो नहीं हो रही ना, क्योंकि ये फिर आई वैल्यू नहीं रहेगा, मैंने उल्टा लिख दिया ना शायद, कुछ तो मैंने लोचा किया है, यहाँ पर आई वैल्यू का नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये फंक्शनलिटी में जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे जो है फंक्शनलिटी कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, स्पेलिंग भी गलत दिखा जा रहा है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है,
यहाँ पे भी वापस से जब 3.3 से इस हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो बीच में आई इक्वल्स टू 3 तो लाई करेगा ही, बिकॉज 109°28' से वो होके जाएंगे ना, तो वो वाला एंगल जब भी आएगा तो वहां पर उसका आई इक्वल टू 3 होगा, यानी एस पे 3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी वो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए कि आइडियल एस पी 2 कितनी बार आया, 1 और 2, आइडियल एस पी 3 कितनी बार आया, 1, 2, 3 और 4, और जो उसका प्लेन 3.33 वाला कितना कितने बार आया, अमोनिया अमोनिया वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, तो 3.33, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ऐसा भी आपको पूछ सकता है, चाहे वो उस तरह से उलझा के आपको पूछ सकता है। ये तो कंप्लीट साइकिल का डायग्राम है, अगर हम सिर्फ इतना देखें, सिर्फ इतना, तो ये क्या होगा आपका वर्लेन इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गए बात है। यानी ट्राइंगल ये लिखते जाएगा, सारी बातें नोट करते जाए यार, अपने नोट में अपने कॉपी में नोट करते जाए। ट्राइंगुलर पिरामिडल मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर कैन चेंज एट बॉन्ड एंगल फ्रॉम 107° टू 120°। हम ये चीज देख ही रहे हैं, एनर्जी लेके उसके बॉन्ड में एनर्जी आ रही है, बॉन्ड वाइब्रेट कर करके जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ऊपर नीचे हो रहे हैं तो बीच में तो 120° पे लाई कर रहे हैं ना, फिर वापस 107° जा रहे हैं, वापस 120°, वापस 107°, 107°, ठीक है। तो ये जो है 107° से 120° तक जो है इन रोटेशन करते जा रहा है, ठीक है, और फ्लक्सिबिलिटी इसकी वजह से आ रही है। तो यहाँ पे जो है इनका इनिशियल थीटा क्या है, 107°, रूम टेम्परेचर मिलते ही इनका फाइनल थीटा क्या हो गया, 120°। अब कोई भी पिरामिडल मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी पिरामिडल मॉलिक्यूल ले लीजिए, उसका फाइनल एंगल लास्ट में लास्ट एंगल तो 120° ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पिरामिडल मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे, ट्राइंगुलर पिरामिडल मॉलिक्यूल, उसमें 3 बॉन्ड होंगे, ठीक है, तीनों बॉन्ड जब वो प्लेनरिटी में आएंगे तो उनके बीच में जो है एंगल 120° ही रहने वाला है, ठीक है, उससे कम ज्यादा तो रहने वाला है नहीं, क्योंकि जब वो ऊपर की ओर जाएंगे तो सबसे मैक्सिमम एंगल जो अटेन करेंगे वो प्लेनरिटी वाला एंगल होगा, और 3 बॉन्ड में प्लेनरिटी में 120° एंगल ही आता है, तो थीटा फाइनल जो होगा 120° फाइनल रहने वाला है, इससे ज्यादा तो होने वाला है नहीं, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता, ठीक है, कोई भी 3 बॉन्ड को 120° से ज्यादा एंगल में कभी आप प्लेनर में अरेंज नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो और सबसे ज्यादा एंगल रूम को अरेंज किया जा सकता है वो प्लेनर मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, प्लेनर में उनको सबसे ज्यादा एंगल रूम को अरेंज किया जा सकता है। लेकिन अब जो हमें यहाँ पर चीज देखनी है, यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या आता है, थीटा एफ माइनस थीटा आई 13°, यानी 13° तक वो अपना एंगल रूम टेम्परेचर की एनर्जी से वो चेंज कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग सी बता रहा हूँ, ठीक है, उसको जरा नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखता हूँ, उनको जरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फ्लक्सिबिलिटी जो है इफ यहाँ पे आप लिखते जाइए, ठीक है, a triangular pyramidal molecule have bond angle less than 107° in sp3 hybridization it will not be Fluxonian at room temperature। समझा रहा हूं मैं फटाफट से, पहले ही पॉइंट लिख लो सारे, ठीक है। इफ अ मॉलिक्यूल हैव थीटा आई ग्रेटर देन 107°, then it will be
फ्लेक्स जोन यार, एक पॉइंट और लिख लीजिए। मोर क्लोज टू बॉन्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगुलर पिरामिडल मॉलिक्यूल टू 120 डिग्री द मॉलिक्यूल मोर फ्लक्स जोनियल। लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ आपको, नहीं बस इतना ही है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, अब मैं आपको नॉर्मल से एक चीज समझाता हूँ। आप जरा सोचिए यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है पता है, कि मिनिम ये जो है थीटा का डिफरेंस जो है वो 13 डिग्री है, जो नाइट्रोजन के बीच में 107 डिग्री का एंगल है। अगर 107 डिग्री से कम एंगल अगर देखा गया, अगर 107 डिग्री से कम एंगल अगर देखा गया है, ठीक है, अगर देखा जाता है 107 डिग्री से कम एंगल ट्राइंगुलर पिरामिडल मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो उसमें फ्लक्सिबिलिटी नहीं होगी। व्हाई नहीं होगी? बिकॉज असल में इसमें इस तरह से होता है, ये जो नॉर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर पे लेते हैं और 13 डिग्री का डिफरेंस जो है इनमें लेके आता है, ठीक है, 13 डिग्री का जो हमें चेंज इनमें देखने को मिलता है। अब ये जो 13 डिग्री का जो चेंज है, इससे ज्यादा वो चेंज थीटा में नहीं कर सकता। जो इनसे जो छोटे मॉलिक्यूल्स है, यानी इनसे जो बॉन्ड एंगल में जो कम है, लेस देन 107 डिग्री, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पे फ्लक्सिबिलिटी नहीं दिखा सकते, ठीक है, इन एस्पिरेटरी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और अगर अगर उनको हायर टेम्परेचर दिया भी जाए, ठीक है, फिर भी वो बॉन्ड को ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है, उतनी एनर्जी उनकी बॉन्ड जो है वो झेल नहीं पाएगा और उनके बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे और 120 डिग्री तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। यानी जितना एंगल 1070 डिग्री से 107 डिग्री या फिर इससे ज्यादा होगा ना, वो इजीली 120 डिग्री पर पहुंच जाएगा और वो ज्यादा फ्लक्स जोनियल होगा, ठीक है, उनको कम एनर्जी लगेगी, ठीक है, वो ज्यादा उनको एनर्जी नहीं लगेगी। तो यही वो कहना चाह रहा है कि मोर क्लोज टू बॉन्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगुलर पिरामिडल मॉलिक्यूल, 120 डिग्री से उसका बॉन्ड एंगल जितना करीब होगा वो उतना ही ज्यादा फ्लक्स जोनियल होगा। या तो दूसरी चीज है कि अगर हम उनकी एनर्जी को बढ़ा दे, ठीक है, अगर नाइट्रोजन अमोनिया की भी एनर्जी को हम बढ़ा दे, तो वो जल्दी जल्दी से ऊपर नीचे फ्लक्स जोनियलिटी में उसका जो है रेट ऑफ फ्लक्स जोनियलिटी जो है उसका बढ़ जाएगा, तो बढ़ तो जाएगा तो फास्ट करने लगेगा, लेकिन अगर हम उसको और एनर्जी देते ही रहेंगे तो फाइनली वो ब्रेक हो जाएंगे उनके बॉन्ड्स, ठीक है। लेकिन 107 डिग्री से जिनका एंगल कम है, अगर उनमें हम फ्लक्स एनर्जी देखने जाए तो उनमें देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज उनका एंगल जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर उतना एंगल वो कवर नहीं कर पाएगा, फ्लक्स एनर्जी हमें देखने को नहीं मिलेगी। उसका जो है बॉन्ड नॉर्मली ऐसे ऐसे नॉर्मल जो वाइब्रेट करता है ना, वो सबका बॉन्ड जो है नॉर्मल वाइब्रेशन पे रहता है, ठीक है, सबका बॉन्ड जो है थोड़ी एनर्जी मिलने पे ऐसे नॉर्मल 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 वाइब्रेशन तो करता है, ठीक है। लेकिन अमोनिया में ये देखा गया कि उनको जो है कम एनर्जी नहीं, रूम टेम्परेचर की एनर्जी पे ही वो सीधा ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है, और फिर नीचे चला गया। अब आप जरा सोचिए, अगर वो 120 डिग्री जो है ये मैक्सिमम अटेनेबल एंगल है, अगर ये एंगल अगर जो कोई अटेंड कर जाएगा फिर तो वो जो है फ्लक्स जोनियलिटी दिखा देगा, ठीक है। लेकिन बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है जिनके अंदर 107 डिग्री से कम का एंगल है उनके बॉन्ड एंगल, तो अगर उनमें हमें फ्लक्स जोनियलिटी देखना है और हम उसका एनर्जी अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको टेम्परेचर देंगे, तो फिर उनका बॉन्ड जो है वो वीक होता है, वो टूट जाएगा, लेकिन वो फ्लक्स जोनियलिटी तो नहीं ही दिखाएंगे। जिनका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है उससे ज्यादा होगा वही फ्लक्स जोनियलिटी दिखाएंगे, और जितना बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से करीब होगा उनका वो जल्दी से फ्लक्स जोनियलिटी दिखाएंगे, क्योंकि जल्दी से वो जो है उनका बहुत ही कम एंगल उनको जो है कवर करना है, ठीक है। अगर मान लो कि 111 डिग्री एंगल है तो फिर 9 डिग्री का ही जो सफर तय करना है, ठीक है, तो फटाफट से उनका रेट जो होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब लोग ये बोलते हैं कि अगर अगर कोई ऐसा हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं,
तो बोलते हैं कि यार नाइट्रोजन के ऊपर तीन तीन बड़े बड़े सीएल लगे हैं, इतना वजन वो जो है वो झेल के उसको ऊपर नहीं कर पाएगा, ठीक है, इतना वजन वो झेल के उसको जो है फ्लक्सुनल नहीं हो पाएगा, वो ऊपर की ओर शिफ्ट और इन्वर्जन नहीं कर पाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता, आप जरा सोचिए ना, ये कौन सा केस है, sp3 विद स्टेरिक इन स्टेरिक एक्जिस्टेंस है, ठीक है, इसमें स्टेरिक लग रहा है, इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल, तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 107 डिग्री से भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि स्टेरिक लगेगा, इसमें स्टेरिक फैक्टर लगेगा, sp3 में स्टेरिक फैक्टर लगेगा, तब वो उनका बॉन्ड एंगल जो है, बड़े बड़े क्लोरीन लगे हुए हैं नाइट्रोजन सेकंड पीरियड क्लोरीन थर्ड पीरियड क्लोरीन क्लोरीन रिपल करेंगे 107 डिग्री से भी एंगल उनका बढ़ा देंगे, अगर एंगल बढ़ गया फ्लक्स ज्वाइनिटी बढ़ जाएगी और वो इजीली फटाफट से उल्टा वो इजी हो जाएगा उसके लिए, अगर जितना भी वजन, उस वजन की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, स्टेरिक की बात होती है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई होगी ये छोटी सी बात। तो ये जो है मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में, मान लो कि यहाँ पे ब्रोमिन आ गया, अरे भाई ये इतना वेट उठा के ऊपर इन्वर्जन नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग, अरे ऐसा नहीं होता यार, उल्टा ये तो इतना रिपल करेगा और इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, वो इजीली ऊपर इन्वर्जन में चला जाएगा, ठीक है, इजीली चला जाएगा, ठीक है, वो दूर करना ही तो चाह रहा है, ठीक है, अब तो उसको और भी कम एनर्जी लगेगी, एंगल बढ़ जाएगा तो, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो इस तरह से नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स में या फिर इनमें नाइट्रोजन वाली स्पीसीज में जो है फ्लक्सुअलिटी देखी जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वो देख लीजिए कि अगर इन मॉलिक्यूल्स में हाई बॉन्ड एंगल रहा होगा तो मॉलिक्यूल मोर फ्लक्सुअल होंगे, ये मैंने आपको समझा दिया, सिर्फ लिखने को बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, ठीक है, नोट पेन लेके कॉपी में लिख लीजिए फटाफट से। और दूसरी बात यह है कि लो थीटा होगा, लेस फ्लक्सुअल होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, हो तो जाएगा लेकिन ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन कहाँ लेस थीटा, यानी होना तो 107 डिग्री से ज्यादा ही चाहिए, लेकिन उसमें भी कम थीटा होगा तो ठीक है, वो एनर्जी लेके कर तो जाएगा, लेकिन अगर थीटा ज्यादा होगा तो उसको कम एनर्जी में ही इजीली वो 120 डिग्री पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जो है फ्लक्सुअल जल्दी होगा या आराम से होगा इसके बारे में बताया गया है। अगर हमें फिर इससे एक बात और भी पता लगती है, क्वेश्चन पूछा जाए आपको, ऑर्डर ऑफ फ्लक्सुअलिटी क्या होता है यार, अब स्पेलिंग सही से नहीं लिखा जा रहा, फ्लक्सुअलिटी है ना, छोड़ो ना यार, आप समझ गए ना, काफी है, NH3 NF3 PH3। आपको क्या ऐसा लगता है कि ये बॉन्ड एंगल पे डिपेंड कर रहा है, लगता है ना, मुझे भी लगता है यार, क्योंकि वो डेफिनेटली बॉन्ड एंगल पे डिपेंड कर रहा है, जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उतना ही आराम से फ्लक्सुअल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इनका फ्लक्सुअलिटी का भी ऑर्डर जो है वो ऑर्डर भी सेम ऑर्डर एज बॉन्ड एंगल, बिल्कुल बॉन्ड एंगल के बराबर ही इनका ऑर्डर आने वाला है। तो इससे हम क्या देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, NBr3 का, सबसे ज्यादा फ्लक्सुअल कौन होगा, NBr3, फिर NCl3, फिर NH3, फिर NF3, फिर जो है PF3, फिर जो है PH3 और afterwards SH3। इसमें से काफी नहीं करेंगे फ्लक्सुअलिटी का बिहेवियर, आई नो दैट थिंग, ठीक है, बट जो है यहाँ पे ऑर्डर पूछा है ना तो हमें कंसिडर करना पड़ता है, जैसे कि NH3 है, NCl3, NBr3, अगर NF3 की अगर हम बात करेंगे तो आप जरा सोचिए कि NH3 और NF3 में ज्यादा बॉन्ड किसका होता है, एंगल NH3 का, क्या NF3 शो करेगा, NF3 शो करेगा क्या, NF3 का तो बॉन्ड एंगल उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है, NF3 का बॉन्ड एंगल जो है वो उससे भी कम हो जाएगा, तो NF3 तो शो करने वाला है ही नहीं, PF3 तो और भी शो नहीं करेगा, PH3 भी शो नहीं करेगा, ASH3 भी शो नहीं करेगा, लेकिन ऑर्डर पूछा है,
तो ऑर्डर तो हमें पता है कि जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वो इजीली फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा, तो बॉन्ड एंगल के ऊपर से इसका भी ऑर्डर ढूंढा जा सकता है। तो आई होप ये सारी सारी बातें आपको फ्लेक्सिबिलिटी की पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत इजी और सिंपल सी बात है, ठीक है, आपको सिर्फ समझना है कि किस तरह से बाकी के मॉलिक्यूल्स में क्यों नहीं होता और इनमें क्यों होता है, ठीक है। तो ये सारी सिंपल सी बात है। 107 डिग्री से 120 डिग्री में ट्रायंगुलर पिलर पिरामिडल वाले मॉलिक्यूल्स जो जो होंगे उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और जो इनके जो 107 डिग्री से कम वाले एंगल होंगे ये सब ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर पिरामिडल और sp3 वाले हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला कैरेक्टर में देखा गया है, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करने की एक छोटी सी कोशिश, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनमें ही देखा गया है, ठीक है, अदर ज्योमेट्री जैसे कि TBP में भी देखा गया है। तो वो मैं धीरे धीरे, पहले ये जो sp3 वाला snp मिक्सिंग का समझा दूं ना, अब ये आखिरी टॉपिक था snp मिक्सिंग का समझाने में, ठीक है। इसके बाद अब SP&D मिक्सिंग शुरू करेंगे, ठीक है, करते हैं अभी लेक्चर तो अभी चालू है, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे लेक्चर। लेकिन जो है SNP मिक्सिंग में ये वाला SP3 हाइब्रिडाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई है, ठीक है। अब SP&D मिक्सिंग में आगे और फ्लेक्सिबिलिटी का थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़रा भी मिस मत करना इस टॉपिक को, SP&D मिक्सिंग को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप बस मैं अभी स्लाइड निकाल के जाता हूँ, ये आप जरा कॉपी कीजिए, नोट कीजिए इसको फटाफट से, मैं आता हूँ जस्ट एक मिनट में। आई होप आप सब साथ में नोट करते चल रहे हो, ठीक है। चल आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इतना हमने कंप्लीट कर लिया है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये, ठीक है। इसमें हम जो है आगे SP&D मिक्सिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। SP&D मिक्सिंग के बाद थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी जो इनमें जो देखी जाती है, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन शुरू करते हैं यहीं से पहले कि एग्जैक्टली SP&D मिक्सिंग में जैसे कि डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। 5D ऑर्बिटल्स में से कौन सा डी ऑर्बिटल जो है वो इन मिक्सिंग में पार्टिसिपेट होगा, जो है ये चीज़ जो है हमें समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, मैं आपके लिए नोट्स जो मैंने रखे हैं वो निकाल लेता हूँ जरा, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। अब जरा देखिए SP&D मिक्सिंग, देखिए आपको जैसे कि पता है कि अब तक हमने जो है कोऑर्डिनेशन 4 तक पढ़ा, क्योंकि हम SNP मिक्सिंग पढ़ रहे थे, SNP मिक्सिंग में टोटल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर बन रहे थे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक पढ़ा। अब जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की कहानी होने वाली है, क्योंकि अब हम इसमें SP&D मिक्सिंग पढ़ेंगे, तो S ऑर्बिटल जो है वो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, इसमें तो है कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो है सारे दिशाओं में इक्वली फैला हुआ है, स्फेरिकल है। उसके बाद पी ऑर्बिटल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है डंबल शेप, ठीक है, डंबल शेप है,
और तीनों इसको इसके ऑर्बिटल जो है अलोंग द एक्सिस और तीनों इक्वल है, ठीक है, अराउंड द थ्री एक्सिस। लेकिन अब डी ऑर्बिटल भी तो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का पड़ गया, यानी इसमें क्या होगा sp3, तो हो गया अब डी यहाँ तक 4 था, ठीक है, यहाँ तक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। अब 5 की बात कर रहे हैं तो एक डी भी मिक्स कर लेंगे इसमें, sp3d मिक्सिंग के बारे में जो है यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डी ऑर्बिटल में क्या दिक्कत है पता है, यहाँ पे जो है दो टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें, एक तो होता है अलोंग द एक्सिस और एक होता है बिटवीन द एक्सिस। ये चीज आपको पता है, मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम, dx² - y² and dz², dxy dyz dzx, ठीक है, तीन हो गए, ये पांच इसके ऑर्बिटल्स हैं। अब जो बात है कि अब इनमें मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ठीक है, कौन मरने वाला है मिक्सिंग में, ठीक है। तो यही चीज जो है हमें देखनी है कि मिक्सिंग में एट द एंड पार्टिसिपेट कौन करता है। इफ वी रिक्वायर ओनली वन डी ऑर्बिटल इन मिक्सिंग, इफ विल बी इट विल बी डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस, ठीक है। कहना ये चाहते हैं कि अगर हम सिर्फ एक डी ऑर्बिटल चाहिए, सिर्फ एक डी ऑर्बिटल चाहिए मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हम जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक सारा पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक हमने एस एंड पी की मिक्सिंग कर ली, अब डी ऑर्बिटल पे इन्वॉल्व करना हमने शुरू कर लिया है और हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पढ़ना है, तो सिर्फ एक डी को हम इसमें मिक्सिंग के अंदर लाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जो हम पढ़ेंगे उसमें एक डी को हम जो अंदर ला रहे हैं वो कौन सा डी होगा, ठीक है। तो हम मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि वो जो डी होगा वो अलोंग द एक्सिस वाला डी होगा, क्योंकि आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि देखिए एस जो है वो तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं, सभी जगह फैला हुआ है, ये पी जो है वो इस तरह से है अलोंग द एक्सिस वाई एक्सिस, और ये जो डी है अगर ये अलोंग द एक्सिस ही आए तो क्या ये मिक्सिंग अच्छी होगी, आपको ऐसा नहीं लगता। और एक तो वो इस तरह से आ सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो मिक्सिंग होती है ना इसी के ऊपर से ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी डायरेक्शन ओरिएंट होती है, ठीक है, आप जरा समझिए इस चीज को, ठीक है। जो मिक्सिंग जो होती है ना ऑर्बिटल्स जिस तरह से मिक्स करते हैं ना उसी तरह से उनके ओरिएंटेशन उस डायरेक्शन में होती है, ठीक है, मिनिमम स्टेरिक रिपल्शन मैक्सिमम बॉन्ड एंगल के साथ, लेकिन उसी तरह से उनका रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे एक एस और एक पी की मिक्सिंग हुई है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये पी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, ये वाई में भी कुछ नहीं, एस तो सभी डायरेक्शन में फैला हुआ है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि हमें बनने वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल होने वाला है, तो उससे पहले जो है वो कौन से डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड है और मिक्स हो रहे हैं, तो सिर्फ एक्स, तो बनने वाला जो होगा वो भी मिनिमम स्टेरिक रिपल्शन के साथ लीनियर बनेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पी भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और sp2 कर रहे हैं तो ये जो यहाँ पे बनेगा ये x एंड y दोनों एक्सिस में बनेगा और ये प्लेनर होगा, ठीक है, तो आप ये देख नहीं आप ये नहीं देख पा रहे यहाँ पे इस तरह से ये प्लेनर मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल बन रहा है, ये x एंड y, ठीक है, ये x एक्सिस वाले ये y एक्सिस वाले और ये तो ऐसे ही इनमें मिक्स हो रहा है, ठीक है, स्फेरिकल है, उसका कैरेक्टर तो सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कूट कूट के भरी है, तो एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर जिसमें भी जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी हो जाएगी, और पी ऑर्बिटल का कैरेक्टर क्या है कि डायरेक्शनल है, तो अब जो स्ट्रक्चर जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो पी ऑर्बिटल कौन कौन से डायरेक्शन में ओरिएंटेड है और वो ओवरलैप कर रहे हैं, सॉरी वो मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब मिक्सिंग करके वो जिस डायरेक्शन में थे उसी डायरेक्शन में वो मिनिमम रिपल्शन पे वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे थे वो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, यानी एक्स और
वाई यानी प्लेनर प्लेनर ऑर्बिटल्स थे दोनों, ठीक है, दोनों एक ही प्लेन में आके जुड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल भी क्या बना, प्लेनर बना। अब यहाँ पे आप जरा देखिए, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड तीनों, ठीक है, अब क्या आपको ये नहीं लगता कि ये x y और z तीनों एक्सिस के साथ जुड़े हैं, तो इसीलिए तो टेट्राहेड्रल जो है वो तीनों थ्री डायमेंशनल वो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम b ऑर्बिटल को भी अगर हम लेंगे, ठीक है, तो वो जो है अलोंग द एक्सिस पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों जो है वो तो अलोंग द एक्सिस ही है, तो अगर वो भी अलोंग द एक्सिस आकर जुड़ेगा तो एक चीज देखी गई है कि बहुत ही अच्छी मिक्सिंग होती है और अच्छा गुड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है उसमें बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो फिक्स है कि वो जो बनने वाला ऑर्बिटल जो आएगा, ठीक है, वो अलोंग द एक्सिस ही आने वाला है, ठीक है, जो डी ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करेगा वो अलोंग द एक्सिस। अच्छा, फिर आप सोचोगे sp3d और sp3d2 दो ऑर्बिटल्स जो डी ऑर्बिटल के है वो अलोंग द एक्सिस है, ठीक है, दोनों मिल गए। अब उसके बाद तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर तो आप तो अलोंग द एक्सिस की छोड़ के इन बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप करेंगे, लेकिन अच्छी सॉरी मिक्सिंग करेंगे, लेकिन अच्छी मिक्सिंग कौन करता है, ठीक है, वो चीज हमें देखनी है। तो पी एक्स पी वाई पी जेड ये तीनों अलोंग द एक्सिस वाले मिक्सिंग कर रहे हैं, इसके साथ डी वाला भी अलोंग द एक्सिस वाला मिक्सिंग करना आएगा, तो मिक्सिंग अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक डी ऑर्बिटल लेना है और अलोंग द एक्सिस वाले दो डी ऑर्बिटल, एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक है डी जेड स्क्वायर, तो यहीं से जो है फ्लेक्सिबिलिटी की भी कहानी शुरू हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है, बहुत ही दिलचस्प बातें होने वाली है, कहीं भी छोड़ के जाइएगा मत, बस बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। अब चलो देखते हैं किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। ये भी कमीनापंती कर रहा है यार, अब तक ये ऑन था, चलो हो गया। ठीक है, यहां तक की सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब जरा देखते हैं कि अब ये जो दो ऑर्बिटल्स है, ठीक है, दो ऑर्बिटल्स इसके अलोंग द एक्सिस है और दोनों जो है उनमें से कौन उसके अंदर जाएगा, कौन उसके अंदर ओवरलैपिंग मिक्सिंग में जाएगा और बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और यहीं से जो फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको रिलेट करके कनेक्ट कर दूंगा, बस बने रही मेरे साथ। देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि मिक्सिंग करने वाले ऑर्बिटल्स जो होते हैं उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपको पता है इन बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स अगर मिक्स करेंगे तो उतना स्टेबल और अच्छे ऑर्बिटल्स नहीं बना पाते होंगे कंपेयर टू अलोंग द एक्सिस, तो इसीलिए प्रीफर क्या किया जा सकता है, अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स को प्रीफर किया जा सकता है पहले मिक्सिंग करने में। आप अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स सारे यूज हो जाए फिर तो इन बिटवीन वाले एक्सिस वाले तो आएंगे ही, ठीक है। तो अब हमने देखा कि अलोंग द एक्सिस में दो है, दो में से कोई भी एक जाएगा। अब एक कौन सा जाएगा जरा देखिए, मैं दोनों को आपको जो है हाइब्रिडाइजेशन समझा के और ड्रॉ करके और समझाता हूँ पूरा, ठीक है, यहाँ पे बस देखना। यहाँ पे sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक तो होगा s ऑर्बिटल, एक होगा px, एक होगा py, एक होगा pz, एक होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अगर sp3d होगा, यहाँ पे एक s, एक px, एक py, एक pz और एक होगा dz स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे जो dz स्क्वायर आपके मिल रहा है या ये pz और dz स्क्वायर, तो यानी कि z डायरेक्शन में दो लोब्स बनने वाले हैं, यानी दो बॉन्ड जो होंगे वो z डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे, दो एक p में एक x में और ये जो है सॉरी एक x में एक y में और ये जो है ये s इनके साथ जुड़ जाएगा। यानी आप एक चीज देख सकते हैं कि x y और z तीनों एक्सिस के ऑर्बिटल्स है, यानी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो बनेगा, लेकिन इसमें जो देखी जाती है एक बात ये है pz और dz, ठीक है, ये दोनों z एक्सिस के ओरिएंटेड है ऑर्बिटल्स, जब ये मिक्स करेंगे तब ये बिल्कुल z डायरेक्शन में दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से देखा जाता है कि ये एक ये दो, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे ये मिक्स करके xy प्लेन में ये बना लेते हैं, ठीक है,
ये एक्स वाई प्लेन एक यहाँ पे बना लेते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं और एक यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एस पी और पी एक्स और पी वाई, ठीक है। मैं आपको इसको और थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स कीजिए, ठीक है, समझिए इस चीज को, ध्यान से जरा समझिएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ। एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस जेड प्लस डी जेड स्क्वायर, ये देखिए आप जरा, जो भी ऑर्बिटल्स मिक्सिंग करेंगे, जो मिक्सिंग करेंगे वो जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, ठीक है, वो प्लेन, वो हाइब्रिडाइज्ड होगी, वो प्लेन में वो ओरिएंटेड हो जाएंगे, ठीक है। इसको जरा समझिए, जो भी ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्स डायरेक्शन में है और वाई डायरेक्शन में है, तो एक्स वाई एक प्लेन बन गया, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि अगर sp2 मिक्सिंग हो रहा है तो s तो सारे डायरेक्शन में इक्वली स्प्रेड है, डायरेक्शन कौन डिपेंड किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन एक तो px पे और py पे, यानी x एक्सिस के डायरेक्शन में भी एक लो एक ऑर्बिटल है और एक y एक्सिस के डायरेक्शन में ऑर्बिटल है। अब और s ऑर्बिटल, ये तीनों ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन इनमें डायरेक्शनल कौन कौन से जुड़े हैं, एक एक्स एक्सिस वाला एक वाई एक्सिस वाला, यानी बनने वाले जो होंगे वो एक्स और वाई एक्सिस में ही बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे, तो मिनिमम स्टेरिक रिपल्शन मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, इस तरह से वो बनेंगे और एक्स वाई प्लेन में वो अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। जरा इसको भी जरा यहाँ ध्यान से यहाँ पे देखिए, इसी तरह से पी एक्स पी वाई पी जेड एंड एस एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन में सेम चीज होती है, ठीक है। जब पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है, यानी एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है, जेड डायरेक्शन में भी है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल हो रहा है, ठीक है, पी एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशनल में, वो मैक्सिमम एंगल पे मिनिमम स्टैटिक रिपल्शन के साथ वो अपने बॉन्ड को ओरिएंट कर रहा है। अब जरा इसमें देखिए, जब एस पे थ्री डी आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो पी जेड है, यानी एक जेड डायरेक्शन में रहेगा, और एक तो डी जेड स्क्वायर है, यानी ये भी जेड डायरेक्शन, यानी आप जरा देखिए, इसमें भी एक्स वाई और जेड थ्री डी मॉलिक्यूल बनेगा, तीनों डायमेंशनल के जो है ऑर्बिटल्स है, यानी थ्री डी मॉलिक्यूल बनेगा। आप इसको आप जरा ध्यान से समझ सकते हैं कि पांच ऑर्बिटल्स को अगर हमें स्पेस में मैक्सिमम एंगल के साथ अगर ओरिएंट करना है, ठीक है, आप जरा इसको देखिए आप ध्यान से कि पी जेड और डी जेड स्क्वायर जब ये दोनों मिक्सिंग करेंगे तो दो ऑर्बिटल्स जो होंगे वो, क्योंकि दो ऑर्बिटल्स मिक्स करें तो रिजल्ट भी दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो ऑर्बिटल्स जो होंगे वो जेड डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि एस ये एक्स एस पी एक्स और पी वाई ये तीन ऑर्बिटल है, यानी तीन ऑर्बिटल रिजल्ट में बनेंगे और तीन ऑर्बिटल जो है वो एक्स वाई प्लेन में अरेंज होंगे। आपको पता है कि जैसे कि एस पी टू मिक्सिंग होता है तो ये इस तरह से sp2 मिक्सिंग की तरह ये तीन ऑर्बिटल्स इस तरह से जो है बन जाएंगे और ये पूरे का पूरा और ये पूरे का पूरा इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाने वाला है, ठीक है। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसको कह सकते हैं कि ट्राइंगुलर प्लेनर प्लस लीनियर, ये दो ज्योमेट्री मिला के बनता है टीबीपी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। ये इस तरह से बनता है, ये प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, और ये ऊपर लगा है और ये नीचे लगा है, ठीक है। तीन जो है ये इस तरह से रहते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, और इस तरह से लगे हैं, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, पी जेड और डी जेड को दोनों ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग से ये ऐसे बनता है कि दो ऑर्बिटल्स बनेंगे तो ये लीनियर ज्योमेट्री बनाता है, ठीक है। अगर दो ऑर्बिटल सेम एक्सिस वाले अगर मिल जाएंगे, ठीक है, सेम एक्सिस वाले हैं अगर वो मिलेंगे तो वो एक ही एक्सिस में अपना बॉन्ड बनाएंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे बनाएंगे तो क्या होगा, लीनियर होगा, तो वो एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ठीक है, इस तरह से वो लीनियर बनाएंगे और जो बाकी के बचे एस पी एक्स पी वाई जो है वो
सपोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सिस्ट ज्योमेट्री बनती है ट्राइंगल प्लेनर, ठीक है, तो वो इस तरह से एक ये और एक ये, तीन इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो इनमें आप जरा देखिए इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा और इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होने वाला है। इस तरह से टीबीपी की ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसको, अब जरा देखिए यहाँ पे पी जेड तो एक ही है, पी वाई भी एक ही है, लेकिन पी एक्स और पी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यानी पी ये मान लीजिए कि ये जो है एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे पी एक्स और पी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरह से ये बन रहा है। अब जरा इसको देखिए कि एक्स डायरेक्शन में जो है, जरा इसको अब ध्यान से आप देखिएगा, जरा गौर से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक पी जेड डायरेक्शन में इस बार सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ही मिक्स करने के बाद भी एक ही बनेगा, तो एक को हम यहाँ पे जो है वो फिक्स कर देते हैं। अब कौन सी बची एक्सिस, अब एक तो एक्स एक्सिस बची, एक वाई एक्सिस बची और यहाँ पे एक्स एक्सिस, तो ये जब मिक्स करेंगे और एक एस, ठीक है, तो चार ऑर्बिटल, एक दो तीन और चार, चार ऑर्बिटल्स कौन कौन से प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में अरेंज होंगे, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में जब वो अरेंज होंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो 90 डिग्री का डिस्टेंस पे वो अरेंज हो पाएंगे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। सिंपल सा, बिल्कुल ईजी, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह का उनका जो है ज्योमेट्री देखा गया है। ये देखिए एक जेड डायरेक्शन में सिर्फ एक है तो बनने वाला भी एक होगा, और एसपी प्लेन में जो है, एसपी प्लेन में जो है वो बस चार ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो चार ऑर्बिटल ओवरलैप करके जब हाइब्रिडाइज होंगे तब वो फिर से एसपी प्लेन में ही अरेंज होने वाले हैं। जब वो एसपी प्लेन में अरेंज होंगे चार ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है, 90 डिग्री, ठीक है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से उनका स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो इसलिए इन्हें बोला जाता है स्क्वायर पिरामिडल। यानी अगर ये वाला मिक्स किया तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला मिक्स किया तो टीबीपी बनेगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं, ठीक है, इस तरह के उनके अंदर ज्योमेट्री जो है हमें देखी गई है, पाई गई है, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है। इस तरह से वो मिक्सिंग हो जाती है, समझ में आ गया, आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फटाफट से नोट कर लीजिए, पी एक्स, पी वाई और पी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी लोब्स बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर, यानी इस तरह से ये मिक्सिंग कर जाएंगे। समझ रहे हैं, और से समझिए इसको जरा, एक्स डायरेक्शन में कितने लोब है, एक्स डायरेक्शन में ये एक्स, एक्स इसको पूरे को वाई मान लेते हैं, एक्स में एक लोब है, वाई में सॉरी एक्स में ये एक लोब है, ये दूसरा, वाई में ये एक लोब है, ये दूसरा, एक्स में दो लोब जब हाइब्रिडाइज हो, दो ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज होके बनेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे तो एक ऑर्बिटल है लेकिन यहाँ पे लोब है, ठीक है, तो ये दोनों एक्स वाले जो लोब है, ठीक है, ये हाइब्रिडाइज होके दो बॉन्ड एक्स डायरेक्शन में बनाएंगे, तभी तो ये इसको एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको वाई डायरेक्शन मान लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में दो बना रहे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, वाई डायरेक्शन में दो मिल रहे हैं तो दो बना रहे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे जेड वाले दो मिल रहे थे तो यहाँ पे और एक यहाँ पे बना रहे थे, और यहाँ पे एक बचा क्या था, पी जेड, तो पी जेड एक अकेला एक जेड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वो उस तरह से जेड डायरेक्शन में अरेंज हो, जेड डायरेक्शन में सिर्फ एक ही लोब बनने वाली है, ठीक है। फाइनली बना क्या,
3D स्ट्रक्चर बना, ठीक है, मैक्सिमम मतलब 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, जिस तरह से उनकी लोब्स ओवरलैप करी, मिक्सिंग करी है, और मिक्सिंग करके जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने हैं, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम एंगल पे अरेंज होने की ट्राई करते हैं। तो इस तरह का दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग में वेरिएशन आता है, इस वजह से स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ जाता है। अब जरा आप सोचिए, इस तरह से ये तो कंप्लीट हो गए, ये मैंने समझा दिया आपको किस तरह से ये दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब वो दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे तो दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर में वो अपने आप को रखेगा, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर जो होगा वो स्टेबल होगा, कौन सा स्ट्रक्चर वो जो है हमें देखा देखने को मिलेगा। तो एक तो हमें मिल गया ये, नेक्स्ट स्लाइड पे सारे ड्रॉ कर देता हूँ। एक तो इस तरह से ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल था, क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये ट्राइंगल और एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल हो गया, और एक तो इस तरह से था, स्क्वायर पिरामिडल, ये स्क्वायर था और ऊपर एक पिरामिड आ रहा, इस तरह से दो स्ट्रक्चर्स जो है उसके बनते हुए हमें दिख रहे हैं। इसमें जो है यहाँ पे असल में क्या है, देखिए आप जरा ध्यान से समझिए इसको, यहाँ पे जो है ऑल एडजेसेंट एंगल्स जो है उसके, इसके सारे के सारे एडजेसेंट एंगल्स जो है वो 90 डिग्री पे है, ये देखिए 90, ये देखिए 90, ये देखिए 90, ये देखिए 90, ये भी देखिए 90, ये ऊपर वाला जो है 90 है, ये देखिए किस तरह से, पता है ये स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है, ये मान लीजिए इस तरह से, ये एक सेकेंड, इस तरह से ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, और एक उसके ऐसे ऊपर एक बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, मैंने जहां से इसको पकड़ा है ना, इसको एक बॉन्ड मान लो, ठीक है, इसको एक बॉन्ड मान लो, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। यानी आप सोच ले, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ भी 90, ठीक है, तो ऊपर वाला सारे नीचे के ऑर्बिटल से 90 डिग्री में है, और नीचे के भी सारे ऑर्बिटल्स जो है राइट एंगल पे अरेंज है, क्योंकि स्क्वायर में अरेंज है तो राइट एंगल पे अरेंज है, और राइट एंगल पे अरेंज है तो वो भी 90, तो सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल्स जो है यहाँ पे सब के सब के बीच में 90 डिग्री का एंगल होने वाला है, समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरी चीज इसमें क्या देखी जाती है, यहाँ पे क्या देखा जाता है हमें इसमें, अब यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड इस तरह से है, ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बताया था, इस तरह से मान लो एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और तीसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड जो है ये वाला, ये हाथ जो है ये तीसरा बॉन्ड है, ये पहला ये है, एक ये है, और हाथ जो है वो तीसरा वाला है, और बीच का जो है वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है, एक ऐसे सीधा और एक बिल्कुल पीछे, ठीक है, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। आप जरा सोचने सोचने की कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए, ठीक है, इस तरह से इसका एंगल हमें देखने को मिल रहा है। तो अब ये जो तीन तीनों बॉन्ड है, ये तो प्लेन में, ट्राइंगुलर प्लेनर में अरेंज है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा। ये जो ऊपर वाले और नीचे वाले हैं, ये बिल्कुल राइट एंगल पे अरेंज है, ठीक है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है, तो यहाँ से इसका एंगल, यहाँ से इसका एंगल, यहाँ से इसका एंगल, फिर यहाँ से इसका एंगल, यहाँ से इसका एंगल, यहाँ से इसका एंगल, सब ये ऊपर वाले ऊपर नीचे वाले बॉन्ड के जो है
एंगल इसके साथ तो 90 डिग्री ही रहने वाले हैं, क्या रहने वाले हैं, 90 डिग्री ही रहने वाले हैं, ये बिल्कुल 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन ये प्लेनर जो मॉलिक्यूल है, ये तीन बॉन्ड है, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल है 120 डिग्री रहने वाला है। अब यहाँ पे जरा आप ध्यान से गौर से इसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कौन ज्यादा स्टेबल होने वाला है, ठीक है। इसमें जरा देखिए, ध्यान से समझिए कि यहाँ पे सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यहाँ पे थोड़ा 120 डिग्री एंगल जाके इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो क्या गलत है इसमें? तो आपको ये नहीं लगता यहाँ पे प्लेनर में चारों मॉलिक्यूल जो है 90 डिग्री पे जो है पड़े हैं, सारे 90 डिग्री पे जो है रिपल्शन लगा रहे थे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, उनको मतलब थोड़ा अनस्टेबल है वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल प्लेनर में सिर्फ तीन है, ऊपर नीचे जो है वो तो 90 डिग्री पे ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पे भी एक ऊपर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे 90 डिग्री पे है और यहाँ पे तीन बॉन्ड 120 डिग्री पे है और जो बाकी के सारे जो ये जो है ये सारे 90 डिग्री पे है। तो आपको ये चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पे पॉसिबल एंगल्स जो है एक तो 90 डिग्री है और एक 120 डिग्री, दो टाइप के हैं मिल रहे हैं हमें, हम एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आसपास के एंगल्स की, क्योंकि वही तो डिपेंड करता है उसकी ज्योमेट्री पे, वही एंगल तो जो है एग्जैक्टली रिपल्शन लगा रहा होता है, ठीक है, वही एंगल तो उसका ज्योमेट्री, ये एडजेसेंट बॉन्ड जो है उनके एंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एडजेसेंट बॉन्ड एंगल जो है वही तो ये सारा हाइब्रिडाइजेशन का खेला करा रहा है हमसे, स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन बोल के हम हाइब्रिडाइजेशन में लेंगे, ठीक है, तो इस वजह से हम एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे एडजेसेंट एंगल्स जो 90 डिग्री पे अरेंज है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला, ठीक है। नॉर्मल कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे स्क्वायर पिरामिडल में ना जाके टीबीपी में मॉलिक्यूल्स एक्सिस्ट करते हैं। अब जो है आपको यहाँ पे एक पुरानी बात का जवाब भी मिलेगा, जहां पे कौन फेल हुआ था, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन था, सुडगन थे ना, सुडगन साइंटिस्ट थे ना, कौन से थे, सुडगन थे शायद, है ना, उन्होंने वन इलेक्ट्रॉन थियरी दिया था, ठीक है, वो जो फेल हुआ था जहाँ पे, उसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा, क्योंकि वो टीबीपी मॉलिक्यूल की तो बात कर रहे थे, वो यही तो बोल रहे थे, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। अब सर इसको समझिए आप, ठीक है, कि अगर यहाँ पे सेंट्रल एटम की बात करें, अगर ये स्मॉल रहा और अगर साइड एटम जो है, साइड वाला एटम जो है, जस्ट अ मिनट, छोटी सी एक दो बात है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से होता है, ऐसे ही पढ़े रहिए मेरे साथ, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हमें बॉन्डिंग फटाफट से कंप्लीट करना है, इसी महीने में हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम भी आएगा, मैं आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाने वाला हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर जो है केमिकल इक्विलिब्रियम जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ये मंथ कंप्लीट हो उससे पहले बॉन्डिंग और इक्विलिब्रियम दोनों कंप्लीट हो जाना चाहिए अपना, अगर ऐसा कुछ होता है बीच में कि कोई और एजुकेटर है और अगर उनकी क्लास पर्टिकुलर डे पे नहीं आने वाली, ठीक है, तो उसकी जगह पे हमारे इक्विलिब्रियम की क्लास जो है वो आ जाएगी, ठीक है, तो मिस मत करना, बहुत ज़बरदस्त इक्विलिब्रियम पढ़ाने वाला हूँ, आई होप आपको बॉन्डिंग में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया वाली बॉन्डिंग पढ़ाने की मैं ट्राई तो कर रहा हूँ और आई होप कि आप लोगों को इसमें मज़ा भी आ रहा होगा, तो ऐसे ही बहुत ही दिलचस्प और बढ़िया वाली इक्विलिब्रियम भी पढ़ाएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम मैं पढ़ाऊंगा, आयोनिक तो चल ही रहा है आपका, चार क्लासेस केमिस्ट्री की डेली रहती है, इनमें से अगर कोई भी एक अगर किसी भी दिन अगर नहीं रही तो उस दिन हम इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, अगर कोई भी एजुकेटर कोई भी रीजन की वजह से अगर अवेलेबल नहीं है और क्लास नहीं हुई उनकी,
ठीक है, अगर क्लास प्रीमियर नहीं होने वाली तो उनकी जगह पे मेरी क्लास प्रीमियर हो जाएगी, यानी उस दिन मेरी दो क्लासेस आएंगे, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमें इक्विलिब्रियम भी कंप्लीट करना है, फिर ये भी कंप्लीट, ये तो अभी कुछ क्लासेस और लगेंगी, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम है, फिर इसके बाद मुझे आपका थर्मो शुरू करना है, काइनेटिक्स खत्म करना है, ठीक है, थर्मो भी खत्म करना है और काइनेटिक्स, ये दोनों मेजर टॉपिक्स आपका मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़े थोड़े कनेक्टेड है, थोड़े तो थोड़े थोड़े कह सकते हैं, बस थोड़े थोड़े से कनेक्टेड, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। तो बस पढ़ते रहिए यार, मेहनत करते रहिए। देखिए आप सोचिए, आपका सितंबर तक अगर सिलेबस हो जा रहा है तो कितनी बढ़िया बात है यार, कितनी बढ़िया बात है। कितना टाइम बचेगा आपके पास पीछे रिवीजन के लिए, कितना रिवीजन कर पाओगे आप, यानी उसको नोट्स जो बना रहे हो ना, नोट्स बनाते जाओ, उसको पढ़ते रहो, बस 5 बार 6 बार 10 बार पढ़ डालो, ठीक है पूरे। आपको अगर कोई बोले ना कि आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप बिना देखे फिर से उसको नोट्स बना के दे सको, उतनी बार पढ़ लो, कोई टेंशन ही नहीं है। एग्जाम में अक्सर भूल जाते हैं ना, ये दिक्कत होती है, एग्जाम में जो है क्वेश्चंस जो है बातें कंसेप्ट जो है हम भूल जाते हैं नर्वस होकर, इसलिए जितना पढ़ा होगा ना उतना आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट भी कर पाओगे, ये सब चीजें भी आसान हो जाएंगी। देखिए सेंट्रल एटम अगर स्मॉल रहा, साइड एटम लार्ज रहा, तो आपको पता ही है ये ऐसे केस में तो साइड एटम बड़ा हो तो रिपल्शन लगता है, तो अगर रिपल्शन लगेगा तो वो तो फिर मैक्सिमम स्टेबल मॉलिक्यूल में ही एक्सिस्ट करना पसंद करेगा, कर दिया मैंने ये। ठीक, ऐसा मॉलिक्यूल में एक्सिस्ट ना करके इसमें एक्सिस्ट करना पसंद करेगा, क्योंकि थोड़ा तो इसमें रिलीफ मिल रहा है, एंगल थोड़ा तो स्टेबल हो रहा है, तो ऐसे में तो ये टीबीपी से ही जाएगा, ये टीबीपी ही बनाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि अगर साइड एटम जो है तो वो स्मॉल है और सेंट्रल एटम लार्ज है, बड़ा सा है, ऐसे में क्या होता है कि सेंट्रल एटम अगर लार्ज रहा है ना, तो फिर एंगल की थोड़ी थोड़ी समस्या कम होती जाती है, आपको पता ही है डिस्टेंस दोनों बॉन्ड दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो वो रिपल्शन थोड़ा कम लगाते हैं। तो ऐसे में भी स्टेबल तो फिर टीबीपी ही होगा, हम मना नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टेबल जो होगा वो तो टीबीपी ही होगा, यही स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन इसकी एनर्जी भी जो तो है, इसकी भी जो एनर्जी है ये कम होती जाएगी, यानी इसकी एनर्जी बहुत कम है, स्टेबल है, ये जो है इसकी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और ये भी नियर टू स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आए क्योंकि अगर लेकिन देखो सेंट्रल एटम अगर बड़ा रहा और साइड एटम छोटा है तो एंगल की ज्यादा समस्या नहीं रहती, वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम स्टेबल तो कौन सा है अपना, ये जो टीबीपी है वही मैक्सिमम स्टेबल है, तो वही रहने वाला है, ठीक है, मैक्सिमम तो स्टेबल वही रहेगा, लेकिन इसकी एनर्जी जो है वो भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए इसकी एनर्जी टीबीपी की अगर ये है और साइड एटम अगर बड़े होंगे तो एनर्जी कुछ ये रही होगी, तो फिर टीबीपी में एक्सिस्ट करेगा। लेकिन अगर साइड एटम छोटे हो गए, सेंट्रल एटम बड़ा हो गया, तो इसकी एनर्जी जो है कम होते होते इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप का डिफरेंस कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, लार्ज एनर्जी गैप का डिफरेंस था, यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो अब ये जो एनर्जी गैप का डिफरेंस है ये रूम टेम्परेचर पे अटेनेबल है,
रूम टेम्परेचर पर ये एनर्जी गैप का डिफरेंस अटेनेबल हो गया, यानी इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो रहेगा तो टीबीपी में ही, ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर जितनी उसको जो एनर्जी चाहिए कि वो स्क्वायर पिरामिडल में चला जाए, उतनी एनर्जी उसको सिर्फ रूम टेम्परेचर पर मिल रही है। क्यों? क्योंकि साइड एटम छोटे हैं, सेंट्रल एटम बड़ा है। तो अब जो है एंगल की समस्या पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल में भी कम हो गई है, तो उसकी एनर्जी भी कम होती जा रही है, वो भी थोड़ा थोड़ा स्टैटिकली स्टेबल हो गया है, ठीक है। अब जो इनके बीच में एनर्जी गैप का डिफरेंस जो कुछ भी रहा है वो रूम टेम्परेचर पे जो है वो उसको एनर्जी मिल जा रही है कि वो इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। यानी अब यहाँ पे जो है ये फ्लक्सोनियल नेचर आ जाएगा फिर से, ठीक है, फिर से इसमें फ्लक्सोनियल नेचर हमें देखने को इस तरह से मिलता है। मैंने बोला था ना कि इस तरह से मिक्सिंग को पढ़ाते पढ़ाते मैं इनकी फ्लक्सोनियल की तरफ मैं आपको ले चलूंगा, ठीक है, और इसी तरह से इनके बीच में फ्लक्सोनियल प्रॉपर्टी इनमें देखी जाती है इस तरह से, ठीक है। अब जो इनका गैप है वो रूम टेम्परेचर पे अटेनेबल है, तो टीबीपी में जो रहा है वो रूम टेम्परेचर की एनर्जी लेके वो चला जाता है हायर एनर्जी लेवल में स्क्वायर पिरामिडल में, लेकिन वहां पे वो स्टेबल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो एनर्जी गैप अटेनेबल है, ठीक है। तो इस वजह से ये फ्लक्सोनल कैरेक्टर इसमें भी दिखाता है, फ्लक्सोनलिटी इन वाले मॉलिक्यूल्स में देखने को हमें मिल सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे मैं आपको एक बात और लिखाता हूं, इफ मॉलिक्यूल हैव एक्सटेंडेड बाय, नहीं ये बात बाद में लिखते हैं, पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। फॉस्फरस के साथ अगर हमने Cl5 लगाया था, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ मैं, कुछ और लिखते हैं ना, ठीक है, कुछ और वाला मॉलिक्यूल देते हैं मैं, जस्ट अ सेकंड ना, एक मिनट, एक बढ़िया सा मॉलिक्यूल, चलिए मॉलिक्यूल जाने दो, मैं आपको एक यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फॉस्फरस के साथ पीएच रिंग, ठीक है, फिनाइल रिंग की बात कर रहा हूँ, फिनाइल रिंग अगर 5 दे दी जाए तो क्या लगता है आपको इसका कौन सा स्ट्रक्चर में ये रहेगा? क्या ये स्ट्रक्चर में रहेगा या फिर ये स्ट्रक्चर में रहेगा, बताए जल्दी से, बताए जल्दी से, सोचिए सोचिए जरा सोचिए, कौन से स्ट्रक्चर में रहेगा, कौन से स्ट्रक्चर में ये रहने वाला है, बताए जरा, 2 मिनट सोचिए, हमने अभी तक स्टेरिक की बात की सिर्फ, सोचिए जरा। क्या लगता है कौन सा वाला स्ट्रक्चर रहेगा, देखते हैं चले इस चीज को। आपको लगा होगा कि ये जो पीएच रिंग इतनी बड़ी है, ठीक है, फॉस्फोरस के सामने तो पीएच रिंग बड़ी है, यहाँ पे ये टीबीपी में एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एग्जिस्ट करता है स्क्वायर पिरामिडल। आप बोलोगे अभी तो पढ़ा यार, अभी एक्सेप्शन भी बता दिया यार, क्या चल रहा है, इसका रीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ, इसको जरा देख लीजिए,
रीजन इसका क्या है? मॉलिक्यूल विल ट्राई टू हैव मोर एटम इन सिंगल प्लेन। जरा एक चीज को देखिए, यहां पे टीबीपी का एनर्जी था, यहां पे स्क्वायर पिरामिड की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में इतना एनर्जी गैप का डिफरेंस। ठीक है, कब? जब सेंट्रल एटम था छोटा, जब सेंट्रल एटम था छोटा, इतना एनर्जी गैप का डिफरेंस था क्योंकि रिपल्शन की वजह से टीबीपी स्टेबल हो रही थी। अगर यहाँ पे हम सेंट्रल एटम को बड़ा ले लें तो ये इसका जो एनर्जी गैप का डिफरेंस है वो कम हो जाता था और छोटा रह जाता था, ये रूम टेम्परेचर पे अचीवेबल था। लेकिन अगर हम साइड एटम को ऐसा ले लें कि वो पाई कॉन्जुगेशन में अगर वो जा रहा है, एक्सटेंडेड पाई कॉन्जुगेशन बना रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा टीबीपी से भी। व्हाई? बिकॉज कॉन्जुगेशन होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। अगर साइड एटम इसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी की वजह से आप सोच रहे हो क्या है टीबीपी नहीं करेगा? अरे स्क्वायर पिरामिडल में आप जरा इसके स्ट्रक्चर पे जरा आप नजर डालिए अपनी, स्क्वायर पिरामिडल में प्लेनरिटी ज्यादा है, ताकि क्या है कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो सकता है। यहाँ पे आप इसको जरा देखिए, यहाँ पे और सामने ये वाले रिंग, और फास्फोरस में डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, तो यहाँ से ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में ये जा सकता है। ठीक है, मतलब यानी कि आप इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसका रीजन बस यही है कि मॉलिक्यूल विल ट्राई टू हैव मोर एटम इन सिंगल प्लेन कैपेबल ऑफ पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, पाई कॉन्जुगेशन कब ज्यादा होगा? ठीक है, जब वो प्लेनर में रहेगा। ठीक है, तो आप सोचोगे यार कि यहाँ भी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे के वो प्लेनर, यहाँ भी अपने मॉलिक्यूल्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स दे दे के वो जो है पाई कॉन्जुगेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिल रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, और जो यहाँ पे उसको नहीं मिल रहा, ठीक है, यहाँ पे एक दो और तीन ही प्लेनर में है। ठीक है, और आपको पता है कि कॉन्जुगेशन के लिए जो है प्लेनर होना जरूरी है, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जिस भी मॉलिक्यूल में हो रहा होगा साइड एटम में, और सेंट्रल एटम बड़ा होगा, तो उन मॉलिक्यूल में वो मॉलिक्यूल्स जो है और साइड एटम्स जो है वो ज्यादा प्लेनरिटी प्लेन में रहना पसंद करेंगे, ताकि उनमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो पाए, और इस वजह से जो है ज्यादा प्लेनर कौन सा मॉलिक्यूल है? तो स्क्वायर पिरामिडल। इस वजह से स्क्वायर पिरामिडल, ऐसे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे नेट में आया हुआ, उन्होंने पूछा था कि एक तो है PPH5, सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो गई क्या मेरे से? एक गलती हो गई यार मेरे से। सेंट्रल एटम जो है ना, एक गलती हो गई मेरे से, सॉरी। अब थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स रहती है। ठीक है, सेंट्रल एटम जो है ना, यहाँ फास्फोरस नहीं है, फास्फोरस अभी भी छोटा पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर एंटीमनी लेना है, ये चीज एंटीमनी में, मतलब SB एंटीमनी जो है उसका एटम काफी बड़ा होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिर्फ मैटर नहीं करता, साइज भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है कि उसमें छोटा एटम है और रिंग बड़ी बड़ी है, ठीक है, तो वो फिर रिपल्शन कर लेंगे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर वहां पे काम नहीं आता, आपको पता है आइसोस्टेरिकली स्टेबल होना पड़ता है, तो जो सेंट्रल एटम है उतना बड़ा होना चाहिए। तो एंटीमनी जो है, एंटीमनी जितना बड़ा अगर किसी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंटीमनी लाइक सेंट्रल एटम इतना लार्ज स्ट्रक्चर हो, और उसके अराउंड अगर जो कोई भी वो लगा हो,
एक्सीडेंट कंजुगेशन आ रहा है, तो फिर वो रूम टेम्परेचर की एनर्जी यहाँ पे जो टीबीपी में एक्सिस कर रहा था उसकी जगह पे वो स्क्वायर पिरामिडल में एक्सिस करने लगेगा। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम बड़ा है, साइड एटम छोटा है, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि स्क्वायर पिरामिडल में वो रह सकता है लेकिन वो ज्यादा स्टेबल टीबीपी में है। लेकिन अगर सेंट्रल एटम बड़ा है जैसे कि एंटीमनी, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जो सारे एटम्स लगे हैं, अगर उसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रहा है, तो इसमें जो है वो एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से वो ज्यादा स्टेबल स्क्वायर पिरामिडल में हो जाएगा। ठीक है, उसका एनर्जी टीबीपी से भी कम हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल एटम बड़ा होना चाहिए। ये कहानी सेंट्रल एटम की है। अगर साइड एटम रिपल्शन लगा तब तो फिर कोई भी काम नहीं आएगा, टीबीपी ही काम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी गिवन है, ठीक है, बताओ इसका क्या होगा और इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो इसका होगा टीबीपी, इसमें टीबीपी एक्सिस्ट करता है क्योंकि फिर स्टेरिक रिपल्शन होने लगेगा। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम काफी इनफ भी गया है तो जो है इसका एनर्जी जो है वो काफी कम हो गया, बॉन्डिंग में थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो कम हो गया लेकिन स्टेबल ज्यादा यही होना चाहिए टीबीपी, लेकिन वो क्यों होता है, बिकॉज उसमें पाई कंजुगेशन लगता है और वो टीबीपी से भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, नीचे आ जाता है एनर्जी में। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये लगेगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं कि ये फ्लक्सियोनलिटी किस तरह से दिखाता है। ठीक है, इसमें ये फ्लक्सियोनलिटी मॉलिक्यूल्स के अंदर फ्लक्सियोनलिटी किस तरह से वो दिखाता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह का ये मॉलिक्यूल है B1, B2, B3, B4 and B5। रूम टेम्परेचर की एनर्जी इसको मिलते हैं, B1 क्या करेगा, ये नीचे प्लेन में जाने की कोशिश करेगा और वहां पे वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, वहां पे एंगल को वो थोड़ा उस एंगल पे चला जाएगा, B1, B3, B5, B4 इस तरह से होगा, और B2 यहाँ का यही है। ठीक है, अब वो वापस से एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन वापस से जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, मैंने बोला था कि वो अपना पीरियोडिक मोशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अब B1 ऊपर से नीचे आया तो B1 वापस ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, B1 वापस ऊपर नहीं जाएगा, इस बार जाएगा कोई और। तो इस बार क्या हो जाता है, B1 जो है वही रह जाता है, B3 वही रह जाता है, B5 इस तरह से कुछ हो जाता है, और बारी बारी से सब के सब मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरह से घूमते रहते हैं। और जरूरी नहीं है कि B1 ही आए, ठीक है, B2 भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से वो फ्लक्सियोनलिटी को दिखाता है। ठीक है, ये 120 डिग्री पे है और ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, समझ में आ गया, सारी बातें क्लियर हो गई, एकदम क्लियर कंप्लीट। ठीक है, आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ये सारी की सारी बातें आपके समझ में आ गई। इस तरह से वो पूरा फ्लक्सियोनलिटी इस तरह से दिखाता है टीबीपी मॉलिक्यूल में। ठीक है, टीबीपी से स्क्वायर पिरामिडल से वापस टीबीपी, इस तरह से अगर वो फ्लक्सियोनलिटी दिखाता है, आई होप आपको ये सारी बातें मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की, इसके हाइब्रिडाइजेशन से लेके फ्लक्सियोनलिटी को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है, आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको, सब क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और टीबीपी की जो उसमें एनर्जी जो रहती है उसको, उस एनर्जी को EI मान लेते हैं, और स्क्वायर पिरामिडल में जो एनर्जी रहती है उसको EF मान लेते हैं, और EF माइनस EI डेल्टा E होता है, यानी इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस जो है वो डेल्टा E जितना होगा। ठीक है, ये हम जो है
अज्यूम कर लेते, ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि डेल्टा ई मतलब यही होगा ना, ऑब्वियसली डेल्टा ई जितना उन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, ये एनर्जी होगी टीबीपी की और ये एनर्जी होगी स्क्वायर पिरामिडल की, ठीक है, और ये उनका एनर्जी का डिफरेंस होने वाला है, दोनों के बीच के एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। जरा दोनों स्ट्रक्चर को जरा समझते हैं हम लोग, ठीक है, इसको जरा समझने की कोशिश करें आप। आपने एक चीज देखी थी कि हमने वन इलेक्ट्रॉन थियोरी के वक्त PCl5 था, जब उसको हमने हिट दी तो PCl3 हुआ, फिर हिट दी तब ये बॉन्ड टूट गए, फॉस्फरस बन गया P4, ठीक है, इस तरह से कुछ हुआ था, ठीक है। लेकिन जब हमने PF5 को तोड़ा तो ये पूरा का पूरा एक साथ ही टूटा, ठीक है, बिल्कुल भी अलग से नहीं टूटा, ठीक है, ये PCl3 की तरह PF3 में कन्वर्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। व्हाई, व्हाट्स द रीजन, बिकॉज इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है। जरा इसको समझने के लिए पहले एक बार और समझ लेते हैं, ये जो उसका लिमिटेशन तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसको समझते कि कैसे एक्सप्लेन हुआ। पहले ये वाली बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पे टीबीपी का स्ट्रक्चर ये है, स्क्वायर पिरामिडल का स्ट्रक्चर ये है, ठीक, उनके एंगल जो है ना, उनके एंगल एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वही तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन, उनका जो स्ट्रक्चर है उनके ऊपर उनकी कमांड होती है, ठीक है। यानी मतलब अगर मान लो कि एंगल कम है तो स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा, एंगल दूर दूर करने की कोशिश करेंगे, अगर एंगल कम होगा तो स्टेरिक स्टेबल होंगे। यहाँ पे जरा आप देखिए, यहाँ पे इनका एंगल जो है 120 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी एडजेसेंट, एक तो 120 डिग्री देखा जा रहा है और एक तो 90 डिग्री देखा जा रहा है, यहाँ पे सारे के सारे जो है वो 90 डिग्री है, ओनली एंगल। आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि ये जो 120 डिग्री का डिस्टेंस एंगल है इन दोनों के बीच में, तो क्या आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला मैक्सिमम एंगल पे स्टेबलाइज्ड है? अगर इन तीनों के बीच में मैक्सिमम एंगल है 120 डिग्री का, इन दोनों के बीच में अगर एंगल है, ठीक है, ये एंगल 120 डिग्री का है, तो क्या यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे कंपेयर टू दिस परपेंडिकुलर? क्योंकि ये तो है सभी डायरेक्शन में 90 डिग्री ही बना रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम है तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होंगे, ठीक। तो ये चीज है कि ये जो लीनियर बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो कम होगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज बताई थी कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है तो परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ता है, और बढ़ने की वजह से उनके जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है, ठीक है, तो इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी जो होती है वो, और उनकी जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, यानी कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, यानी आपको क्या समझाऊं, हाँ ऑब्वियसली उनकी परसेंटेज पी कैरेक्टर जैसे कि बढ़ता है तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी फैल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होने से उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में फर्क पड़ता है और वो कम हो जाती है, और वहां से बनने वाले बॉन्ड जो होते हैं वो कंपैरेटिवली टू दिस बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड जो है वो वीक होते हैं, ये वाले जो बॉन्ड है इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, और ये वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड में जो है इनके बीच में देखिए, इक्वेटोरियल पे जो प्लेनर है, ठीक है, 120 डिग्री पे अरेंज है, ठीक है, वहां पे एंगल ज्यादा है इन दो बॉन्ड्स के बीच में। आपको पता है कि जैसे कि ये दो एडजेसेंट बॉन्ड होते हैं, इनके बीच में बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा होता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो यहाँ पे जो है इनके बीच में एंगल जो है वो ज्यादा है, तो ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो है
उनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और एक्सियल बॉन्ड्स जो है, एक्सियल बॉन्ड्स जो है आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 180 डिग्री का एंगल है, अरे पे एडजेसेंट बॉन्ड्स के साथ देखना होता है ना, क्योंकि बाजू वाला सबसे नजदीक वाला ही तो हमें रिपल करता है, तो उन्हीं के साथ तो हमारा एंगल दिखा जाता है। अब ऐसा स्ट्रक्चर रहा है तो इस वाले की बाजू में तो ये तीन रहे होंगे ना, ठीक है, ये तो उसके बाद आएगा, तो इसका एंगल थोड़ी ना देखा जाता है, इसका एंगल देखा जाएगा। तो इस वजह से हमें देखा जाता है कि ये दोनों बॉन्ड जो एक्सियल पे है वो बॉन्ड बना रहा है सिर्फ 90 डिग्री का, ठीक है, अपने सर एडजेसेंट एटम एडजेसेंट एडजेसेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, एक्सियल और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो 90 डिग्री बना रहे, तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होने वाला है। तो इस वजह से हमें पता है कि जैसे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, और तो क्या बताऊँ, सही है बस, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कम होती है, और बिल्कुल उल्टा होता है अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाए। इससे हमें क्या पता चलता है, जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो लेंथ में बड़े होते हैं और वीक होते हैं, और जो इक्विटोरियल होते हैं वो लेंथ में छोटे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जरा आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखिए, क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पे फॉस्फरस और क्लोरीन दोनों का सिमिलर साइज है, तो इस वजह से क्या वो टीबीपी में एग्जिस्ट नहीं करेगा? करेगा ना, ऑब्वियसली टीबीपी में एग्जिस्ट करेगा। क्यों क्यों? बिकॉज ClCl जो है वो एक दूसरे को रिपल करेंगे अगर वो स्क्वायर पिरामिडल में गया तो, ठीक है, तो इस वजह से क्लोरीन क्लोरीन तो बड़े एटम्स है, फॉस्फोरस जो है कंपैरेटिवली उतना बड़ा तो एटम नहीं हो रहा, बिकॉज साइड एटम और सेंट्रल एटम दोनों की साइज हमें देखनी है, तो सिमिलर साइज आ रही है, तो यहाँ पे टीबीपी में एग्जिस्ट करता है, और टीबीपी में वीक बॉन्ड कौन से है, एक्सियल, कितने बॉन्ड है, दो, तो PCl5 में से ये इस तरह से होगा, ये दो बॉन्ड वीक है, जल्दी टूट जाएंगे, बचेगा क्या, ये तीनों PCl3 बचेंगे, ठीक है, फिर ये जो है एक साथ में टूटते हैं और फर्दर हिट देने पे। लेकिन अब PF5 की बारी है, PF5 में आप जरा देखिए कि फॉस्फरस जो है वो फ्लोरीन के कंपेयर में बड़ा एटम है, और फ्लोरीन जो है, ठीक है, फ्लोरीन जो है वो यहाँ पर आप जरा सोचिए वो छोटा एटम है, तो इनमें TBP और स्क्वायर पिरामिडल इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, जो रूम टेम्परेचर पे ये एनर्जी का डिफरेंस है ये अटेनेबल है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे एनर्जी का डिफरेंस जो है ये अटेनेबल है, अटेनेबल होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, आप जरा देखिए कि इसमें तो सारे के सारा 90 डिग्री पे ही है, सब के सब बॉन्ड एंगल सेम, सब में परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वल, सब के सब में जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल रहने वाली है, ठीक है। तो अब आप सोचोगे लेकिन फिर भी टीबीपी ही ज्यादा स्टेबल है ना, तो वो रहेगा तो टीबीपी में, फिर तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इसको जरा समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे आप जरा देखिए, ये टीबीपी है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम थोड़ा 1, 2, 3, 4 और 5, अब आप जरा देखिए अगर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर देंगे तो ये इस तरह से चला जाएगा, F1, F3, F4, F5 और F2 ऊपर रहेगा, फिर वापस से एनर्जी छोड़ेगा और वापस से, अब कौन ऊपर आया था, F4 आया था, तो अब F4 को नीचे जाएगा नहीं, कोई और जाएगा। तो आप जरा इसको देखिए, इसको स्ट्रक्चर को देखिए और जरा समझिएगा, F5, F1, F3, F4, ठीक है, वापस से एनर्जी लेके जाएगा P, F2 ऐसे ही रहा, F1, F3, F5, F4, ठीक है, वापस से एनर्जी छोड़ेगा और वापस से TBP में जाएगा, तो F2
अब इस बार जो है हम यहाँ पे किसको भेजेंगे नीचे, F4 चला गया, एक बार F5 चला गया, ठीक है, और इस बार हम F1 को भेज देते हैं। तो आप एक बात समझिए कि बारी बारी से सभी के सभी फ्लोरीन एटम्स जो है यहाँ पे एनर्जी गैप अचीवेबल होने की वजह से बारी बारी से सभी के सभी फ्लोरीन एटम्स जो है वो स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल में सारे के सारे बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल है, सब के सब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है सारे बॉन्ड इक्वली स्ट्रॉन्ग है, सारे के सारे बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ से बारी बारी में एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है, देखिए कभी F5 आ रहा है, कभी F4 आ रहा है, कभी F1 आ रहा है, तो ये जो है फ्लक्सियोनल कंपाउंड हो गया है, ठीक है, और फ्लक्सियोनलिटी दिखा रहा है, और फ्लक्सियोनलिटी की वजह से बारी बारी से सभी फ्लोरीन एटम कभी एक्सियल इक्वली एक्सियल पे भी रहते हैं और इक्विटोरियल पे भी रहते हैं, ठीक है। मान लो कि बारी सबकी बारी आती है, ठीक है, वो आपने सुना है ना, एक के बाद एक सबकी बारी आती है, तो इस तरह से बिल्कुल F1 अगर एक्सियल में रहा है जितना टाइम उतना ही वो इक्विटोरियल पे भी रहेगा, और जितना F1 एक्सियल पे रहा है उतना ही F3 भी एक्सियल पे रहेगा, उतना ही इक्विटोरियल पे भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो फ्लक्सियोनल है, ठीक है, बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, और सभी की पोजीशन जो है वो इक्वली चेंज हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पोजीशन फिक्स है, ये F2 ऊपर जो मैंने लिखा है ना, ठीक है, इसके भी पोजीशन चेंज होती है, मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो फ्लक्सियोनलिटी किस तरह से होती है, सिर्फ मैंने वो चीज दिखाई है, F4 अगर ऊपर आया तो वापस से F4 नीचे नहीं जाएगा, अब F5 गया फिर F1 गया, ऐसे ही ऊपर की भी बारी आएगी, ठीक है, तो इक्वली सभी के सभी बॉन्ड जो है वो इक्वली एक्सियल में और इक्विटोरियल में रह रहे हैं, तो सभी की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी जो है वो इक्वल हो जा रही है, ठीक है, किस वजह से, बिकॉज इनमें फ्लक्सियोनलिटी है, और इस वजह से अगर यहाँ पे ये फ्लक्सियोनलिटी की वजह से ये अपने स्ट्रक्चर चेंज करता ही रहेगा, सबकी सभी फ्लोरीन एटम्स बारी बारी से सभी पोजीशन पे जाएंगे, तो आपको पता ही है कि अभी सभी अगर फ्लोरीन एटम्स की बारी आती है एक्सियल और इक्वेटोरियल पे, ठीक है, तो सभी के सभी इक्वल स्ट्रेंथ हो जाती है सबकी, ठीक है, आज मैं एक्सियल पे गया, कल वो जाएगा, परसों वो जाएगा, सब जाएंगे, ठीक है, तो सभी जो है वो बारी बारी से एक्सियल पे भी जाते हैं और इक्वेटोरियल पे भी जाती है, सबकी एनर्जी जो है इक्वल हो जाती है, सबकी स्ट्रेंथ जो होती है वो इक्वल हो जाती है, एनर्जी नहीं बोल सकता मैं, स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, ठीक है, सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल हो जाती है, और इस वजह से PF5 को अगर आप एनर्जी देते हो तो सभी के सभी एक साथ में टूटते हैं, ठीक है, समझ में आया, आई होप अपनी बात समझ में आ गई होगी, वाई, बिकॉज इनमें फ्लक्सियोनलिटी देखी जाती है, और बारी बारी से सभी मॉलिक्यूल सभी एटम्स जो है सभी बॉन्ड जो है वो एक्सियल और इक्विटोरियल में रोटेट होते रहते हैं, और इस वजह से सबकी बारी एक्सियल और इक्विटोरियल पे आती है, कोई एक बॉन्ड पर्टिकुलर अपनी पोजिशन फिक्स करके नहीं बैठता, ठीक है, इस वजह से फ्लक्सियोनलिटी की वजह से, ठीक है, वो सभी के सभी बॉन्ड बारी बारी से अपनी पोजिशन चेंज करते हैं, और यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सभी बॉन्ड जो है वो इक्वल आ रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकता कि ये मुश्किल सिर्फ मुझ पे आएगी, ये बारी बारी से सब पे आने वाली है, तो सबके हालात एक जैसे हो जाएंगे, यानी सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि PCl5 में ऐसा क्यों नहीं होता, तो आप जरा सोचिए कि PCl5 में अगर वो स्क्वायर पिरामिडल में अगर वो आएगा तो उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले ही लिंक करने कनेक्ट करने वक्त मैंने आपको बताया था कि फ्लक्सियोनलिटी कब आती है, जब उनके साइड एटम बड़ा छोटा हो और सेंट्रल एटम बड़ा हो, इस वजह से TBP और स्क्वायर पिरामिडल दोनों के एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं और रूम टेम्परेचर पर अटेनेबल हो जाते हैं, तभी उनमें फ्लक्सियोनलिटी आती है, बट यहाँ पे जो है साइड एटम बड़ा है, सेंट्रल एटम भी इस तरह से, यानी दोनों का साइज सिमिलर है, तो यहाँ पे जो है अगर वो स्क्वायर पिरामिडल में आएंगे तो बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से वो रिपल करेंगे और स्क्वायर पिरामिडल का एनर्जी बहुत हाई चला जाएगा, तो वो रूम टेम्परेचर पे उतना एनर्जी देके हम उसका फ्लक्सियोनलिटी देख नहीं पाते, इस वजह से दो बॉन्ड वीक रह जाते हैं, तीन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाते हैं।
ठीक है। आई होप ये सारी कहानी, सारी बातें, ये सारी जो कंसेप्ट है आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा और आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बस यही वजह है कि PF5 टूटता है तो सब बॉन्ड एक साथ टूटते हैं, और PCl5 टूटता है तो पहले PCl3 बनता है, फिर बाकी के बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ये सारी कहानियां आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। छोटी सी एक दो बात और पढ़ लेते फिर आज की क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। यानी कि जो फ्लक्सोनियल नहीं है वो कभी भी स्क्वायर पिरामिडल में एग्जिस्ट नहीं करने वाले, ठीक है। समझ में आ गया, सारी बातें आपको समझ में आ गई। अगर इसमें हम 1F19 NMR सिग्नल देखें तो सिर्फ एक सिग्नल आएगा, सॉरी 19F NMR सिग्नल देखें तो सिर्फ एक सिग्नल आएगा, और अगर PCl5 में अगर हम देखें NMR तो PCl5 में अगर हम देखें तो दो पीक आती है, ठीक है, क्योंकि दो बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिफरेंट है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ वाले दो बॉन्ड जुड़े हैं, यहाँ पे तो सारे एक ही स्ट्रेंथ वाले हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सिग्नल आता है। लेकिन अगर हम इसको -81°C पर ले गए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, उसको उतना एनर्जी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और TBP जो है वो TBP में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे PF5 भी टूट के पहले, मतलब यहाँ पे जो है PF5 भी अगर इसका ब्रेकिंग करें, मतलब ब्रेकिंग कैसे करेंगे यार, फिर एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी -81°C में भी PF5 जो है ये भी TBP में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसके भी दो पीक आएंगे, इसके भी दो पीक आएंगे, अगर -81°C चले गए, फ्लक्सोनियलिटी बंद हो जाएगा और TBP में ही रहेगा फिर तो, ठीक है, फिर इसकी दो पीक ही आने वाली है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब एक और बात छोटी सी है कि मैंने आपको एक बात और बताई थी कि TBP अगर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एटम, ये तीनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सी जो है आपको पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, और बी जो है परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, वीक है। तो जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है वहां पे नॉर्मली सोचिए ना, वहां पे कौन से एटम आएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएंगे, और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएंगे, यहाँ पे कौन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे कौन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। हमने ये बात बताई थी कि जहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर जिस बॉन्ड में ज्यादा होता है, ठीक है, वो आपने लास्ट में आपने पढ़ा था ना, याद है आप, कि जहाँ पे बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा होता है, हमने लास्ट में ये बात पढ़ी थी, छोटी सी बात जरा याद करिए आप इसको, तरह से ध्यान दीजिए, छोटी सी बात मैंने लास्ट में पढ़ी थी कि अगर 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 बॉन्ड एंगल जो है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो उसका उन दोनों का जो है बॉन्ड एंगल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि बी एटम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वाला एलिमेंट कहाँ शिफ्ट होगा, TBP के स्ट्रक्चर के अंदर जो भी एटम आके जुड़ेंगे तो वो प्रेफरेंस किस पोजीशन पे देंगे, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, वो एक्सियल पोजीशन पे अपने प्रेफरेंस रखेगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इक्वेटोरियल पे प्रेफरेंस रखेगा। वाई, बिकॉज ये समझने वाली चीज है,
क्योंकि यहाँ पे एक्सियल पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, और यही चीज होती है कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब जुड़ता है किसी भी बॉन्ड के साथ, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर जुड़ता है तो उनका बॉन्ड एंगल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कम किसका है, एक्सियल का है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे आके जुड़ना चाहेगा, जो सेंट्रल एटम से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एक्सियल पे आके जुड़ना चाहेगा, क्योंकि वहां उसका एंगल कम है तो वहां पे वो प्रिफरेंस रखेगा। और इक्विटोरियल का जो बॉन्ड है, ठीक है, वहां पे अगर जो सेंट्रल एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो वो इक्विटोरियल पे आके जुड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि इक्विटोरियल बॉन्ड्स के बीच में एंगल ज्यादा है, 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इस तरह से उनकी प्रेफरेंस रहती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं नेक्स्ट स्लाइड में एक चीज, कि अगर मैं PF5 रखता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली सारे के सारे बॉन्ड जो है इक्वली उस तरह से प्रेफरेंस इसमें तो कोई आएगी नहीं, सबके सब बॉन्ड्स अरेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं PF4 और CH3 रखता हूँ, तो CH3 कहाँ अरेंज होना चाहेगा, ये दोनों F पे और CH3 यहाँ पे, बचे कौन से, फ्लोरीन, इनको फिर यहाँ पे अरेंज कर दो, प्रेफरेंस एक्सियल रहेगी फ्लोरीन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो वहाँ यहाँ पे रहना चाहेगा, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल PF3 CH3 ट्वाइस कर दो तो इस तरह से होगा, दो CH3 को इक्विटोरियल में फ्लोरीन को कहीं भी रख दो, ठीक है, तीनों इक्वल बॉन्ड ही है, ठीक है, इक्वल आता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ PF2 CH3 थ्राइस, तो फ्लोरीन तो पहले एक्सियल में अरेंज होना चाहेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्विटोरियल, ठीक है, सिंपल सी बात है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर है, इजी है, समझ में आ गया, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बात और है, जरा देखिए समझिए इसको, ठीक है, कि ये जो है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, वो एक्सियल पे आता है, और ये बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। इसमें एक और बात है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको लिख के बताता हूँ, जरा ठहरिएगा एक दो मिनट, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेते हैं हम, एक आखिरी ये जो बात है ना, ये कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। जरा इसको आखिरी को जरा देख लीजिए, थोड़ा सा कहाँ गया यार, मुझे आपको लिखा था, चलिए छोटी सी बात तो हो गई, हाँ बस इतनी ही थी ना, तो हो गया आज का लेक्चर, फिर अगली क्लास में मिलता है, ऐसा करें अगली क्लास में जब मैं आऊँगा लेक्चर लेके, ठीक है। अच्छा एक और बात है, देखिए इसमें TBP, इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हाँ होगी, ये वाला आइटम यहाँ पे जाएगा, ठीक है, फिर वो चेंज होता रहेगा, ठीक है, जब तक इक्विटोरियल और एक्सियल दोनों में क्या बोलते हैं यार इसको, दोनों में अगर ये एटम्स रहें तो हाँ एग्जैक्टली, दोनों में आकर छोटे एटम्स, देखिए जरा सोचिए इस चीज को, जरा ध्यान से समझिएगा और सोचिएगा, ठीक है। आखिरी बात जो मुझे आपको पढ़ानी, फिर ऐसी क्लास ओवर करते, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत पढ़ना हो गया, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी कौन करता है, जो सेंट्रल एटम बड़ा हो उसके आसपास स्मॉल एटम अगर अरेंज हो तो वो फ्लेक्सिबिलिटी करता है, ठीक है। अगर मैं इसमें पूछूं तो इसमें तो ऑब्वियसली होगी, अगर मैं इसमें आपको पूछूं तो क्या इसमें होगी, हाँ होगी। अच्छा बड़े एटम क्यों फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करते, साइड एटम बड़े हो तो, बिकॉज अगर वो एक्सियल पे गए, ठीक है, अगर वो एक्सियल पे गए तो वो 90 डिग्री पर आ जाएंगे, वो अनस्टेबल हो जाएंगे, तो ये तो इक्विटोरियल पे ही रहना चाहेंगे, ठीक है। पर बाकी के जो एटम्स है वो तो स्मॉल ही है, और इक्विटोरियल पे भी है और एक्सियल पे भी है, तो ये तो फ्लेक्सिबिलिटी होंगे, तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी होगा। इसकी बात करें, यहाँ भी एक एटम है और दो एक्सियल पे है,
एक इक्वेटोरियल दो एक्सियल तो यहाँ भी होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पे कोई भी फ्लोरिन एटम नहीं है कि वो एक्सियल फ्लोरिन एटम के साथ फ्लक्सोनियलिटी दिखाए, इस वजह से यहाँ पे नो फ्लक्सोनियलिटी है, ठीक है। और सिमिलरली अगर पी एफ सी एच थ्री फोर में भी और पी सी एच थ्री फाइव में भी, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, फ्लक्सोनियलिटी नहीं होगी। इसमें होगी उनमें सिर्फ फ्लक्सोनियलिटी होगी जिनमें साइड एटम छोटे हो और वो इक्वेटोरियल पे भी हो और एक्सियल में भी हो, तो वो फ्लक्सोनियल दिखाएंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज इंटरचेंज करते रहेंगे, ठीक है। बड़े एटम को तो हम सिर्फ इक्वेटोरियल पे ही कर सकते हैं, एक्सियल पे वो अनस्टेबल हो जाएंगे, इसलिए वो बड़े एटम फ्लक्सोनियल नहीं दिखाते, ठीक है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे देखिए फ्लक्सोनियलिटी के बिहेवियर में भी थोड़ा चेंजेस आ रहा है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक कि आज की जो बातें हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट आपको आ रहा है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट होकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, यहाँ तक अब क्लास को एंड करते हैं। अगली क्लास में थोड़ा और बातें पढ़ेंगे, फ्लक्सोनियलिटी तो हो गया, ठीक है, आगे की बातें थोड़ी पढ़ेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।